अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 नवंबर को हिंदुस्तान के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना कलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसी रोज़ बाद मगरिब KCT ग्राउंड में एक अजीम शान जलसा रखा गया है बावनवान न्यू चैलेंजेस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ही मौजू उनवान है, और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो न सिर्फ मज़हब पे बल्कि आज के सियासी हालात पर भी अपनी नज़र रखते हैं, मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा शहर की अवाम इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके हमारे बीच जो चैलेंजेस आ रहे हैं मुसलसिल तौर पर, नए नए किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बल्कि शरई मामलात में भी बहुत सारे चैलेंजेस हमको आए दिन पेश आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में एक प्रोग्राम जो न्यू चैलेंजेस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उनवान पर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मैं बहैसियत सदर रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी, मैं आपका दिल की अमीक गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूं, और साथ ही साथ जनता दल सेकुलर के एक लीडर की हैसियत से भी मैं यहां पर आना मैं समझता हूं गुलबर्गा के तमाम अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस प्रोग्राम में शिरकत करें और उस प्रोग्राम को कामयाब करें, और एक नई सोच उस प्रोग्राम से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुलबर्गा की अवाम को एक नई सोच मिलेगी।